नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब पर। आई सिद्धांत मिश्रा वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी पीसीएस एग्जाम यूपीपीसीएस यूपीएससी एग्जाम नेट एग्जाम एंड मेनी अदर एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इन विच क्वेश्चन आर आस्क फ्रॉम हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, देन दिस क्लास विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। दिस इज माई गारंटी। एंड रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज इज द बेस्ट वे। लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत अच्छा तरीका होता है, बट टू रिवाइज थ्रू पीवाईक्यूज इज ओनली बेस्ट व्हेन इट इज डन इन अ वे विच आई एम गोइंग टू टेल यू। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से पीवाईक्यूज को करने से आपका रिविजन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो ये जो लेक्चर है ये बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा, और आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ये क्वेश्चन आपको यूजफुल होने वाले हैं। तो ये क्लास को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और स्टार्टिंग में मैंने थोड़े से इजी प्रश्न रखे हैं, आगे जैसे जैसे लेक्चर प्रोग्रेस करेगा विल गो टू सम डीपर क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 एग्जाम, विच जैन लिटरेचर गिव्स द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। जैन ग्रंथ में, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो हमें पता है कि 16 महाजनपद है और ये महाजनपद काल की बात हो रही है, बट हमसे क्वेश्चन कर रहा है कौन सा जैन लिटरेचर है जो इसका उल्लेख करता है। तो भगवती सूत्र जो है ये इसका उल्लेख करता है। और देखिए अब यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका होता है पीवाईक्यूज पढ़ने का। आपने ये देख लिया खाली भगवती सूत्र है, आपने याद कर लिया, यू विल गेट इन टू योर माइंड की द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास इज गिवन इन भगवती सूत्र। बट वॉट अबाउट द रेस्ट ऑप्शन? हैव यू नोटिस दिस ऑप्शन परिशिष्ट पर्वन? दिस इज ऑल्सो अ जैन ग्रंथ, ये भी एक जैन ग्रंथ है जिसको लिखा है हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने लिखा है, जैन ग्रंथ है और इसको लिखा गया है 12th सेंचुरी एडी। सो क्वेश्चन मे फ्रेम फ्रॉम दिस ऑल्सो कि हु वॉज द ऑथर ऑफ परिशिष्ट पर्वन। जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ अलग से नहीं आते हैं, इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकलते हैं जो कि ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर। तो हेमचंद्र ने रखी है। अब आपसे पूछ सकते हैं कौन सी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हो गई कौन सी, संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखी है हेमचंद्र ने। अब ये हेमचंद्र जो है ये अगर कवि हैं तो ये किसी ना किसी के दरबार में तो होंगे। ये हैं गुजरात से, गुजरात में है। गुजरात में किसका रूल था उस समय? सोलंकी चालुक्य। तो सोलंकी चालुक्य है, सोलंकी चालुक्य के दरबार में थे। तो सोलंकी चालुक्य, अब प्रश्न उठता है कि हु वॉज द रूलर एट दैट टाइम। सो रूलर वॉज, देर वर टू रूलर्स, वन इज जयसिंह सिद्धराज, यू माइट हैव हर्ड अबाउट हर अबाउट हिम, जयसिंह सिद्धराज, और उन्हीं का बेटा है, सन है कौन, कुमारपाल। सो ही सर्व्ड बोथ ऑफ देम, ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू जयसिंह सिद्धराज। स्टार्टिंग में इनको जयसिंह सिद्धराज को इंट्रोड्यूस किया गया था अराउंड 1125-22 एडी, एंड देन उसके बाद इन्होंने कुमारपाल को सर्व किया। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होते हैं, तो ये बेस्ट तरीका है आपको पीवाईक्यूज लगाने का। अगर आप पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं तो दिस इज द वे यू शुड गो फॉरवर्ड। नाउ 16 महाजनपदास लिस्ट इज गिवन नॉट ओनली इन भगवती सूत्र, बट ऑल दीज जितने भी मैंने आपको यहाँ पे सोर्सेस दिए हैं इन सब में आपको 16 महाजनपदास की लिस्ट मिलती है। जैसे कि सुत्तपिटक अंगुत्तर निकाय। सुत्तपिटक जो है ये एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है और इसका एक पार्ट है अंगुत्तर निकाय। सुत्तपिटक में 5 निकाय हैं, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे भी, जैसे जैसे द लेक्चर इज गोइंग टू प्रोग्रेस विल टॉक अबाउट इट। अंगुत्तर निकाय में हमको मिलती है 16 महाजनपदास की सूची। इसके अलावा महावस्तु एक और ग्रंथ है बुद्धिस्ट, इसमें मिलती है। तो अब ये जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है किसमें लिखे जाते थे? पाली लैंग्वेज। तो इनकी लैंग्वेज हो गई पाली। भगवती सूत्र जैसे कि मैंने आपको बताया एक जैन लिटरेचर है। जैन लिटरेचर जनरली प्राकृत भाषा में होती थी, तो इनकी भाषा हो जाएगी प्राकृत। शिल्पादि क्रम में ओनली 3 महाजनपदास मिलते हैं, तो यहां से भी फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन की अगर आपसे पूछे विच ऑल सोर्सेस मेंशंस द महाजनपदास। तो मेंशन अगर केवल ये क्वेश्चन आता है विच ऑल सोर्सेस मेंशंस महाजनपदास, तो आप शिल्पादिक्रम लगा सकते हैं। बट अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि 16 महाजनपद किसमें, तो आपको ओनली अंगुत्तर निकाय लगाना है और भगवती सूत्र लगाना है। अब इसमें जो 3 महाजनपद है वो कौन कौन से है? मगध है, वत्स है और अवंती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 10 महाजनपद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, जो 16 महाजनपद थे उनमें से अकेले 10 महाजनपद केवल गंगा घाटी में है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली में पीजीटी 2019 में पूछा गया था, विच स्कॉलर इज कंसिडर्ड एज लूथर ऑफ बुद्धिज्म।
किस विद्वान को बुद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और पार्श्व। तो आंसर तो दोस्तों इसका है नागार्जुन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अश्वघोष और वसुमित्र कौन है। अब ये अश्वघोष और वसुमित्र ये दोनों बिलोंग करते हैं कनिष्क के टाइम पीरियड से, और कनिष्क के समय में आपको पता होगा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे होती है? कश्मीर में होती है। कश्मीर के किस एरिया में? कुंडलवन। तो कश्मीर के कुंडलवन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जिसमें वसुमित्र और अश्वघोष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको नागार्जुन के बारे में बता देता हूँ। नागार्जुन जो है ये माध्यमिका स्कूल से बिलोंग करते हैं। माध्यमिका स्कूल क्या है इसके बारे में मैं ये आगे चर्चा करूंगा। माध्यमिका स्कूल से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट की फिलोसफी है, इसके ऊपर मैं जैसे जैसे भी हीन ज्ञान और ये लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यू विल गेट टू नो अबाउट इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, हूज मेन सेक्ट्स आर वैभाषिक एंड स्वतांत्रिक। वैभाषिक और स्वतांत्रिक जो है ये किसके प्रमुख समुदाय हैं? हीन ज्ञान, महायान, वज्रयान या नवयान। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बुद्धिस्ट जो फिलोसफी है, जो बुद्धिज्म था रिलीजन, वो हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाता है आगे चल के, और उसकी बहुत सारी शाखाएं बनती हैं। तो ये जो स्वतांत्रिक और वैभाषिक हैं ये हीनयान की शाखा है, और इसका डिवीजन कुछ इस तरह से होता है कि बुद्धिज्म पहले हीनयान और महायान में बढ़ता है, फिर हीनयान के अंदर ही वैभाषिक और स्वतांत्रिक बनते हैं, और महायान के अंदर बन जाते हैं आपके माध्यमिक और विज्ञानवाद। अब ये माध्यमिक जो है इन्हीं के जो नागार्जुन थे, नागार्जुन ये इसी के आचार्य थे माध्यमिक स्कूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया है, द मेन डिस्प्यूट बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट्स वाज ड्यू टू देयर एम्फेसिस ऑन। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर। जैन फिलोसफी से क्वेश्चन है। जैनिज्म एज यू नो इट वॉज डिवाइडेड इंटू दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो जो भद्रबाहु थे इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इन द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य देर वॉज आचार्य, एक आचार्य थे जिनका नाम था भद्रबाहु। उनको ये लगता था कि अब यहाँ पे मौर्य पीरियड में अकाल पड़ेगा, तो ही टुक ऑल हिज डिसिपल्स, अपने सारे जो उनके शिष्य थे उनको लेके वो साउथ में चले जाते हैं। तो ही मूव टू साउथ, व्हाट वॉज द नेम? भद्रबाहु। भद्रबाहु, तो ये जो भद्रबाहु इनको लेके जाते हैं, ये बन जाते हैं आपके दिगंबर, और जो नॉर्थ में रह जाते हैं अंडर स्थूल भद्र वो हो जाते हैं श्वेतांबर। तो जो श्वेतांबर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट दिगंबर्स वर वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर फाइनेंस एंड इन देयर डिसिप्लिन हार्ड लाइफ। सो द आंसर इज डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ, यानी कि अनुशासन और कठोर जीवन को लेकर इनके बीच में बहुत ज्यादा विवाद था। मुख्य जो विवाद था, जो मेन रीजन था, वो दैट वाज ओनली ऑन द डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ। दीस श्वेतांबर्स दे यूज्ड टू टेक एवरीथिंग इन अ वेरी लाइट मैनर एंड दे वांटेड रिफॉर्म्स, देयर एज दो जो दिगंबर थे जो साउथ में चले गए थे, उनको चेंजेस नहीं चाहिए थे, उनको जैसे धर्म चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए था। तो ये इनका मेन डिफरेंस था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन, जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2012 में पूछा गया है, सम्राटदित्य कथा इज रिलेटेड विद विच सेक्ट। सम्राटदित्य कथा किस सेक्ट से रिलेटेड है? तो सम्राटदित्य कथा शायद आपने नहीं सुना होगा, आपने शायद सम्राट इच्छा सुना होगा, सम्राट इच्छा इच्छ कहा ऐसे करके कुछ सुना होगा। तो ये जो सम्राट इच्छ कहा या फिर सम्राटदित्य कथा है, ये जैनिज्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है, और ये जैन धर्म, जैसे आपको मैंने बताया कि जैन धर्म की मैक्सिमम चीजें कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये जो सम्राटदित्य कथा है, सम्राट इच्छ कहा जिसको हम बोलते हैं, ये भी प्राकृत लैंग्वेज में है, और इसको लिखा है आचार्य हरिभद्र सूरी ने, हरिभद्र सूरी जी ने इसको लिखा है सम्राट इच्छ कहा प्राकृत भाषा में। तो ये आप एक फैक्ट है, इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि घुमा के पूछेंगे, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि सम्राट इच्छ कहा किसने लिखी या किस भाषा में लिखी, तो ये दो तीन चीजें इससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग जैन तीर्थंकर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये गलती से नो लिख दिया है, नॉट करेक्टली कर लीजिएगा स्लाइड में, नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित जैन तीर्थंकर और उनके चिन्ह में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि आपको पता है जितने भी जैन तीर्थंकर हैं, टोटल 24 हुए हैं जैन तीर्थंकर, महावीर और बुद्ध समकालीन थे,
ये भी एक प्रश्न उठता है कि जैनिज्म ओल्डर रिलीजन है या बुद्धिज्म। तो एकदम क्लियर कट है कि आपके जो महावीर हैं ये पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर हुए थे, जो कि 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे और महावीर कौन थे 24th, और इनके बीच का डिफरेंस है 230 ईयर्स। तो जाहिर सी बात है कि जो जैनिज्म है वो बहुत ही पुराना रिलीजन है और जैनिज्म इज वेरी ओल्डर रिलीजन देन बुद्धिज्म। अब जैन में जितने भी तीर्थंकर हैं उन सबको किसी ना किसी चिन्ह से दर्शाया जाता है, दे ऑल ऑफ दीज तीर्थंकर्स आर रिजेंबल्ड बाय सम सिंबल। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया कि कौन सा सिंबल इनमें मैच नहीं कर रहा है। महावीर का लॉयन है, सही है एकदम। पार्श्वनाथ का एलिफेंट हाथी नहीं होगा। अरिश नेमी कोंच शंख सही है। नमीनाथ का नील कमल सही है। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जो लिस्ट मैंने दी है इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो मैक्सिमम इसी से आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 24 है, पर 24 के 24 आपको याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ऐसा जो लोग बोलते हैं शायद वो गलत बोलते हैं, मैंने कभी किसी भी एग्जाम में बीच की ओर नहीं देखे। ये फर्स्ट थे ऋषभदेव, आपको पता है इनका नाम आदिनाथ भी मिलता है हमको, इनका है प्रतीक चिन्ह वृषभ। सेकंड थे अजीतनाथ, थर्ड है संभवनाथ, फोर्थ नहीं बोलूंगा मैं, ये एक्चुअली 19th है, बट फोर्थ से लेके और 18th तक इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 19th इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट है कि ये मल्लीनाथ जो थे ये स्त्री थे कि पुरुष थे। तो इसको जो डिबेट है ये भी एक मुद्दा है दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में। तो इनका जो है प्रतीक चिन्ह वो कलश है, इसलिए आपको याद करना है, क्योंकि जो डिबेटेबल होते हैं वो अपने आप में प्रश्न बन जाते हैं। नमीनाथ का नीलकमल जैसा क्वेश्चन में था, अरिष्ट नेमी जिनको हम नेमीनाथ से भी जानते हैं उनका शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है जो मैंने आपको बताया था कि पार्श्वनाथ का एलिफेंट नहीं है, हाथी नहीं है, हाथी किसका है अजीतनाथ का है, और महावीर का सिंह है। ये लास्ट के फोर है, 24, 23, 22 एंड 21, और वो ऊपर के तीन चार ये और बीच में एक, ये आपको टोटल इतने ही याद करने, बस इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। त्रिपिटक आर बुद्धिस्ट ओल्डेस्ट लिटरेचर, क्या त्रिपिटक जो है वो बुद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, सही बात है। अभिधम पिटक बेसिकली कंटेन्स द सेम टॉपिक विच आर डिस्कस्ड इन सुत्त पिटक। तो मैं आपको पहले बता दूं बुद्ध में जो तीन पिटक है वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका हो गया सबसे पहले सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, उसके बाद विनय पिटक, उसके बाद अभिधम्म पिटक। तो ये तीन पिटक हैं, और जो विनय पिटक है ये आपका बेसिकली डील करता है विद द डिसिप्लिन और किस तरह से उनको आचरण करना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा टीचिंग नहीं है। तो ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर है। तो जो बुद्धा की फिलोसफिकल टीचिंग्स है, फिलोसफिकल जो दर्शन है, जो उसका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का जो दर्शन है, ये आपको मिलता है अभिधम्म पिटक में, और अभिधम्म पिटक में ये मिलता है। सुत्त पिटक में आपको बुद्ध की टीचिंग्स मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अभिधम्म पिटक है वो सेम उसी बात के ऊपर बात कर रहा है जिसमें सुत्त पिटक में दिया है, बट सुत्त पिटक में एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, टीचिंग जैसे बोला गया वो दिया हुआ है, बट आपको अभिधम्म पिटक में दर्शन दिया है। इट इज मोर लाइक कि सुत्त पिटक इज लाइक वेदास एंड अभिधम्म पिटक इज लाइक उपनिषद। तो वेदास में आपको केवल मंत्र दिए हैं और उपनिषद में उसका फिलोसफिकल जो आइडियोलॉजी है, जो उसका दर्शन है, वो दिया होता है। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है प्रश्न इस तरह से भी आ जाए। कंपेयर अगर करें कि हम सुत्त पिटक को हिंदुज्म में कंपेयर करें तो कौन से लिटरेचर के साथ बैठता है, तो वेदास के साथ बैठ जाता है, और अभिधम्म पिटक इज इक्विवेलेंट टू उपनिषद और अरण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पीजीटी 2016 में पूछा था, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम एग्जाम्स मैंने देखा है और इसमें से वन लाइनर भी आते हैं, और इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होती है, तो पहली होती है राजगृह में, दूसरी कहाँ होती है, दूसरी होती है आपकी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती हमारी, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि PYQs पढ़ने का जो अच्छा तरीका है वो क्या है, तो आपको ये पता चल गया पहली गांव ही राजगृह में हुई, बट राजगृह में किसके अंडर हुई, हु वाज द रूलर, अजात शत्रु। हो सकता है प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ दे कि हु वाज द रूलर जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की गई, तो अजात शत्रु। सेकंड कब हुई, वैशाली में, वैशाली में जब हुई तब रूलर कौन था, कालाशोक, तो कालाशोक वाज द रूलर। देन पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में रूलर कौन है, अशोक, अशोक कौन, अशोक मौर्य वाला। कश्मीर में मैंने आपको बताया था कौन था, कनिष्क।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आगे का एक लेवल बताएंगे कि राजगृह में जब हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, तो उस समय कौन अध्यक्ष था? हु वॉज प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राजगृह बुद्धिस्ट काउंसिल? हु वॉज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ वैशाली बुद्धिस्ट काउंसिल? हु वॉज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पाटलिपुत्र बुद्धिस्ट काउंसिल? और कश्मीर में जब हुई थी उस समय, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, खैर अश्व घोष और वसुमित्र थे, बट मैंने आपको बताया नहीं कि उनमें से कौन अध्यक्ष था और कौन उपाध्यक्ष था, तो आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। हिमाचल पीजीटी 2020 नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? अब आपसे पूछा करेक्टली मैच्ड कौन था, और ये बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है, मैंने अभी तक इस तरह का क्वेश्चन जल्दी देखा नहीं किसी एग्जाम में, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए मैंने डाल दिया है। भिक्षु लिविंग ऑन किंग्स चैरिटी, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भिक्षु, क्या राजा के दान पर जीवन यापन करने वाले को भिक्षु कहते थे? नहीं, गलत बात है। परिव्राजक कौन थे? घुमक्कड़, वॉन्डरर, क्या ये परिव्राजक थे? एकदम सही बात है, परिव्राजक वही थे जो वॉन्डरर थे, और वही चल के आगे चल के मम बनते हैं, जो बुद्धिस्ट जो फिलोसफी है उसके ऊपर है ये। गृहस्थ, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करने वाले तो प्रीस्ट हुआ करते थे। और उपासक, क्या नास्तिक थे? नहीं, उपासक कौन थे आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, उपासक कौन थे? जो अशोक का बुद्ध धर्म था वो एक उपासक बौद्ध धर्म की संज्ञा दी जाती है, इतिहासकारों ने ऐसा बोला है। द हिस्टोरियंस हैव एक्चुअली गिवन द थ्योरी दैट द रिलीजन विच अशोका फॉलोड वाज अ उपासक बुद्धिस्ट। सो एथिस्ट तो नहीं था, नास्तिक तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो किसी ना किसी को तो फॉलो कर रहा है। अच्छा, नास्तिक की जो अवधारणा है बहुत ही गलत हम लोग जो आज समझते हैं आज की डेट में, अथीस्ट को हम बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानता उसको हम अथीस्ट बोलते हैं, उसको नास्तिक बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। नास्तिक कौन है? नास्तिक वो है जो वेदों को ना माने, जो वेदों को ना माने उसको नास्तिक कहा जाता था, उसको जो हमारे प्राचीन धर्म, जो हमारा प्राचीन दर्शन है उसमें नास्तिक उसको कहते थे जो वेदों की मान्यता को ना माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? उपसंपदा टर्म इन बुद्धिज्म इज यूज्ड फॉर, क्या वो संपत्ति त्याग है, सैक्रिफाइस ऑफ प्रॉपर्टी, क्या वो संघ प्रवेश है, एंट्री इन द संघ, क्या वो गृह प्रवेश है, एंट्री इन द होम, क्या वो निर्वाण प्राप्ति है, अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। तो दोस्तों, उपसंपदा जो है वो एंट्री इन संघ यानी कि संघ प्रवेश है, और अगर मैं इसकी तुलना करूं ब्राह्मण धर्म से, तो आपको पता है कि 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार मैंने पढ़ाए भी हैं YouTube चैनल पे, मैंने बहुत अच्छा डिटेल्ड लेक्चर दिया था उसके ऊपर, 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, तो वो मैंने बताया था आपको कि गर्भधान से लेकर और अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं, और उसमें बीच में एक संस्कार आता है अगर आपने ध्यान दिया हो, जिसमें आपको शिक्षा के लिए भेजा जाता है, जो जाना जाता है उपनयन संस्कार से, उपनयन संस्कार। तो ये जो उपनयन संस्कार है ये एक तरह से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बुद्धिज्म के उपसंपदा संस्कार के बराबर है। इसमें क्या बोल रहा है, संघ में एंट्री मतलब संघ प्रवेश करवा रहा है उपसंपदा से, और उपनयन में क्या करते हैं, गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, तो गुरुकुल में प्रवेश हिंदुइज्म में और संघ में प्रवेश बुद्धिज्म में, तो इसको इस तरह से भी कंपेयर करके क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन एक बार आ चुका है किसी एग्जाम में, जिसमें आपसे पूछा गया था कि उपनयन संस्कार जो ब्राह्मण धर्म में होता था वो मुस्लिम धर्म में किस संस्कार के बराबर है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस संस्कार के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में है, पूछा गया विच ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन जैनिज्म वाज एडेड बाय महावीर। जैन धर्म में पहले से ही मौजूद बुनियादी बातों में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया था? अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह या अमृषा या ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये टर्म है क्या। भाई अहिंसा तो सबको पता है, नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, अहिंसा इज नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस तो पहले से था, उसको महावीर ने नहीं जोड़ा, हालांकि ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर ने जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य क्या है ये आपको पता ही है, बाकी के जो तीन टर्म है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। तो अचौर्य का मतलब जैसे आप दिख रहा है चोरी की बात कर रहा है, चोरी ना करना, नॉट स्टीलिंग एनीथिंग, किसी से कुछ भी चुराने की बात नहीं कर रहा, मतलब किसी से आप कुछ चुरा नहीं सकते, ये मनाही है। अपरिग्रह, कुछ संचित नहीं करना है, एकत्र करके नहीं रखना है, तो नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप, नॉन पोजेशन ऑफ एनीथिंग, मतलब नॉन पोजेशन की बात कर रहा है बस। अमरस इज ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच बोलना है। तो ये जो चार हैं ऊपर के एक से लेके डी तक, दीज वर नोन एज फोर व्रत, इनको चार व्रत बोला जाता था, बट ये पांचवा जो है ब्रह्मचर्य, ये यानी कि चेस्ट लिविंग जो है ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर जी ने जोड़ा था, और इसके बाद इसको बोला गया पांच व्रत।
तो ये पांच व्रत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैनिज्म में। नेक्स्ट, यूजीसी नेट 2019 में पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पुराणास बुद्धा इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? अग्नि, भागवत, मत्स्य, वायु। बट आपको आंसर कोर्ट में देना है, इसका मतलब एक से ज्यादा कोई ऐसी पुराण है जिसमें ऐसा इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन में चार ही दिए, हालांकि पांच ऐसी पुराण है, मैं आपको लिखा देता हूं। इसमें जो है पहले उसकी बात कर लेते हैं, अग्नि, भागवत और मत्स्य। तो हमारा आंसर तो जाएगा ABC, बट हो सकता है आपसे इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन में पूछ लें। तो इसके अलावा भी जो पुराण है, जैसे इसमें गरुड़ पुराण नहीं दिया, तो इसके अलावा एक तो आप गरुड़ पुराण को इसमें ऐड कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में भी जो भगवान बुद्ध हैं उनको विष्णु के अवतारों की सूची में ही रखा गया है, और गरुड़ के अलावा एक आती है विष्णु पुराण। तो ये दो पुराण और हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। तो जो गौतम बुद्ध हैं, इनको हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में जो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इनको 9th इनकार्नेशन में रखा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 9th इनकार्नेशन जो है वो गौतम बुद्ध को माना गया है विष्णु के अवतारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम एंशियंट हिस्ट्री 2018 में पूछा था, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट गिव्स डिटेल्स ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। कौन सा बौद्ध साहित्य भारत में प्राचीन लिपियों का वर्णन करता है? तो प्राचीन लिपियों का वर्णन कौन सा करता है, वो करता है ललित विस्तार। ललित विस्तार करता है, और कितनी स्क्रिप्ट बताता है, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट टोटल 64 लिपियों का ये यहाँ पे उल्लेख करता है। नेक्स्ट, यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है, वेयर डिड बुद्धा गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्मन। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती और वैशाली। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत इजी सा प्रश्न है, हालांकि श्रावस्ती में दिए, बट क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकते थे कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास कहां पे व्यतीत किए। वेयर डिड बुद्धा एक्चुअली रिमेन्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द रेनी सीजन। तो श्रावस्ती वॉज अगेन श्रावस्ती आंसर है। अब प्रश्न ये है कि श्रावस्ती जो है ये तो इसका नया नाम है, बट वॉट वॉज द नेम ऑफ श्रावस्ती एट दैट टाइम। तो श्रावस्ती वॉज नोन एज सहेत महेत। प्लीज नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सहेत महेत, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में भी दिखाया था कि जनरली ओल्ड नेम्स और न्यू नेम्स में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको मैंने रिवर्स का एग्जांपल दिया था कि छेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था पहले, व्यास नदी को विपाशा बोलते थे। तो इस तरह से श्रावस्ती का ओल्ड नेम इज सहेत महेत, और दिस वॉज आस्क्ड इन सम एग्जाम्स। बट नेवरथलेस आपके लिए कुशीनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ अगेन, धर्म चक्र प्रवर्तन और बुद्ध का फर्स्ट सम्मन। पहला धर्म उपदेश इन्होंने सारनाथ नहीं दिया था, और वहीं से धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। इसके अलावा वैशाली भी इंपॉर्टेंट है। वैशाली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको रिपब्लिक मिलते हैं, ये गणराज्य था, ये एक यहाँ पे राजा नहीं हुआ करता था, यहाँ पे गणराज्य हुआ करता था। और इसके आगे क्वेश्चंस बनी है बहुत ज्यादा अजातशत्रु के साथ, और फिर गौतम बुद्ध ने किस तरह से उनको अजातशत्रु को प्रेरणा दी, या प्रेरणा तो नहीं कहेंगे बट उनको एक तरह से रास्ता दिखा दिया कि किस तरह से वैशाली को जीत सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 में पूछा गया था, और ये मैच द फॉलोइंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सुत्त पिटक के पांच निकाय हैं, उनमें से ये चार निकाय यहाँ पे दिए हुए हैं, दीघ निकाय, खुदक निकाय, विनय पिटक, सॉरी निकाय तो दो ही दिए हुए हैं, बाकी दो पिटक दिए हुए हैं, दीघ निकाय, खुदक निकाय। इसके अलावा निकाय होते हैं मध्यम निकाय है, और दो निकाय और हैं। तो अभी हम बात करते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन की, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, खुदक निकाय और दीघ निकाय। दूसरी तरफ है धम्मपद, महापरिनिबंध सूत्र, कथा वस्तु और खंडक। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अभिधम्म पिटक में फिलोसफी है, द फिलोसफी इज कंटेन्ड इन द अभिधम्म पिटक, एंड जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें सुत्त पिटक एंड विनय पिटक वर कंपाइल्ड। अभिधम्म पिटक वॉज कंपाइल्ड इन द लेटर एज, इन द लेटर बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अभिधम्म पिटक को हम मैच करते हैं सबसे पहले कथा वस्तु से, और आपका जो दीघ निकाय है, इस दीघ निकाय में ही आपके महापरिनिर्वाण सूत्र है, यानी कि जो भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ है उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, और उसका जो सूत्र है वो हमारा दीघ निकाय में है। इसके बाद जो खुदक निकाय है, खुदक निकाय को हम मैच करेंगे धम्मपद से, और इसमें बहुत सारे और भी पद हैं जिसकी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, तो आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। और बच जाता है आपका आखिरी में विनय पिटक, जो कि खंदक के साथ मैच हो जाएगा। तो आपका आ गया ए के नीचे 2, बी के नीचे 1, सी के नीचे 4 और डी के नीचे 3, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, यदि आपको पसंद आया हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ,
लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपसे प्रश्न किए हैं वो कमेंट बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। और मैंने एक ऐप भी लॉन्च की है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज डाले हुए हैं, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखा है। और मिलता हूँ मैं अपने आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।